हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6:15। आप देख सकते हो 6:15 बज रहे हैं और रश्मि आ गई है वर्कआउट लेने। एक्चुअली अभी अच्छा लग रहा है मुझे, कल से वर्कआउट कर रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। क्या हो गया था, कितने दिनों से मैं वर्कआउट ही नहीं कर रही थी, इसी वजह से थोड़ा सा मतलब आलस टाइप का हो रहा था। तो अभी रश्मि आ रही है, रश्मि भी बोल रही थी कि मैं अभी घर पर बोर हो रही थी, इसी वजह से वो भी उसका भी वर्कआउट हो रहा है, हमें भी सिखा रही है। तो एक्चुअली मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया कि वो जिम में ट्रेनर है, तो इसी वजह से वो ना मतलब उसको वर्कआउट अच्छे से आता है। तो अगर आपको वर्कआउट मतलब वीडियो चाहिए हो प्रॉपर कि घर पे आप वर्कआउट कैसे कर सकते हो, तो वो वर्कआउट वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि लॉकडाउन में तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो, घर पे मतलब घर पे ही वर्कआउट कर सकते हो, जिम भी बंद होगी, सब कुछ बंद होगा। तो अभी इसी वजह से मेरा वर्कआउट बंद था और काफ़ी दिनों से गैप गैप सी आ रही है वर्कआउट में, तो हो भी रहा है वैसे, आलस टाइप का लग रहा है। तो अभी कुछ दिनों से अभी भी और थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो हो ही रहा है, क्योंकि हम लोग डाइट वगैरह पे ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, तो डाइट पे भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, कुछ भी अच्छा सा नहीं खा रही हूँ। मतलब अच्छा सा मीन्स जो भी आ रहा है, ऑयली या स्पाइसी, ये सारी चीज़ें खा ले रही हूँ। तो चलिए फिर, अभी फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, मतलब इसी वजह से ऐसा लग रहा है फिर। तो चलिए फिर, एक न्यूड सी लिपस्टिक लगा ली है, चलिए वर्कआउट करते हैं। और हाँ, सुबह से अभी मिल रही हूँ आपसे, तो थोड़ा सा अधिक भी आया है, अधिक भी आ गया है, हाय बोल दो। अभी दोबारा से सॉक्स पहन लिए है, एक एक पैर में दूसरा और एक पैर में दूसरा। हाँ, इसको ऐसे ही पसंद है। पिंक नहीं, रेड और ग्रे, तो ये ऐसे करता है हमेशा, मतलब एक इसमें रेड पहनता है, एक इसमें ग्रे पहन लेता है, कभी एक पैर नहीं पहनेगा। तो चलिए जल्दी से जाते हैं, वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आ रही है मिक्सी की आवाज़ आ रही है, तो हम लोगों ने लहसुन वगैरह छीला, थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। मैंने बोला था ना कि आपको, आप लोगों के हस्बैंड हेल्प कर रहे होंगे, मेरे हस्बैंड, तो इन्होंने वो वीडियो देखा होगा, तो इसी वजह से आज मुझे हेल्प करने लगे। तो आज थोड़ा सा लहसुन वगैरह छीला है हमने, तो वही लहसुन अदरक का पेस्ट वो खुद बना रहे हैं आज, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे कैसे बनाती हूँ। अभी पता नहीं कैसे बना रहे होंगे, बट वो बना रहे हैं आज लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलिए फिर, मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। देखिए इसमें क्या डाला आपने, बनाया है हस्बैंड ने लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें मिर्ची डाल दी है। मैं मिर्ची नहीं ऐड करती हूँ, बहुत कम ऐड करती हूँ, आपने बहुत सारी मिर्ची ऐड कर दी उसमें, मिर्ची अदरक लहसुन और जीरा, तो ये बनाया है। चलिए थैंक यू। चलो सो गाइज, यहाँ पर आ गए थे हम लोग गैलरी में, और आप लोग बोल रहे थे ना कि गैलरी दिखाओ, तो ये है वो गैलरी। मतलब एक्चुअली आप लोग ऊपर के जो ऊपर का फ्लोर है वो देखना चाहते हो, तो कभी मैं दिखा दूँगी। एक्चुअली ना मैंने वो उसमें दिखाया है, होम टूर में पूरा घर दिखाया है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप ले देख लीजिएगा, फ्रंट में ही होम टूर का वो आपको वीडियो दिख जाएगा, तो वहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है, एक्चुअली ये वार्म अप हो रहा था, सबसे पहले आते ही वो वार्म अप ले रही थी हमारा, और उसके बाद श्रद्धा भी मेरे साथ कर रही है, क्योंकि उसकी भी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, इसी वजह से वो भी यहाँ पर कर रही है। डिस्टेंस मेंटेन रख रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैलरी काफ़ी लंबी है, तो इसी वजह से। और आप लोग ये गैलरी को देखना चाहते हैं तो इसी तरह से है गैलरी, अगर आपको अच्छे से देखनी है तो मैं आपको एक बार और दिखा दूँगी वीडियो में, तो इस तरह से है। और ये ना ट्रेलर है सिर्फ, मतलब वीडियो का क्या बोलते हैं, वर्कआउट का, तो आप देख लीजिए। मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ इसमें, और उसके बाद फिर मतलब पूरा अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं सोच रही थी कि आप कमेंट करोगे, अगर आपको देखना हो तो आप, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगी फुल वीडियो इसका, सिर्फ वर्कआउट का फुल वीडियो, कि आप घर पर कैसे वर्कआउट कर सकते हो, मतलब आप घर पर अभी बैठे हो तो घर पर ही आप वर्कआउट कैसे कर सकते हो। और जो भी लेडीज जिम नहीं जा पाती है, मतलब वैसे ही घर पे ही रहती है, तो उनके लिए ये वर्कआउट वीडियो काम आएगा। तो यहाँ पर वर्कआउट ख़त्म होते ही हम लोग नीचे आ गए थे, थोड़े से रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने फिर मतलब मैंने तीनों के लिए ये ग्रीन टी बनाई थी, तो एक्चुअली ये लूज़ ग्रीन टी बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा पानी गर्म करके, उसमें जो लूज़ ग्रीन टी आती है, लूज़ ग्रीन टी का पैकेट आता है, डीमार्ट में मिल जाएगा आपको, तो वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ तीनों के लिए, तो वही मैं उनको दे दूँगी, मतलब मैं भी ले लूँगी और उनको भी दे दूँगी। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं अभी, उस दिन से वैसे ही कर रहे हैं। और उसके बाद ना
यहाँ पर ही श्रद्धा और मेरे लिए मैं ओट्स बना लेती हूँ, तो मतलब शाम के टाइम पे, तो इस तरह से मैं ओट्स बना लूँगी। मतलब चॉपर में मैंने प्याज और जो टोमेटो है वो चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा ऑयल लिया था, थोड़े से ऑयल में जीरा डाल दिया था, और टोमेटो और प्याज मैंने अच्छे से चॉप किया था, मतलब एकदम फाइन चॉप। और उसके बाद वो गलने के लिए टाइम नहीं लेगा, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और लाल मिर्च ऐड करनी है, हरी मिर्च भी आप ऐड कर सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको लाल मिर्च पसंद है तो लाल मिर्च आप ऐड करिए, और आपको हरी मिर्च पसंद है तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर दी है उसमें। और वैसे हरी मिर्च में ही बनाओ तो अच्छा रहता है वेट लॉस के लिए, बट मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर सारे मतलब जो टोमेटो है वो भी और प्याज भी थोड़ा सा लूज़ हो चुका था और टोमेटो भी गल चुके थे। तो इस तरह से सारा कुछ होने के बाद यहाँ पर पानी ऐड कर दूंगी, और वहाँ पर श्रद्धा चला रही है उसे और मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये हम दोनों के लिए हम लोग बना रहे थे, मतलब उसके बाद मतलब वर्कआउट के बाद काफ़ी देर के बाद हम लोग बातें करते रहे, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये बनाया। उसके बाद नमक ऐड कर दूंगी, तो और उसके बाद ना पानी बॉईल हो जाने के बाद, जैसे हम लोग मैगी बनाते हैं उस टाइप से, पानी बॉईल हो जाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ओट्स उसमें। और ओट्स ना आपको थोड़े से पतले ही रखने हैं, मतलब पतले रखोगे ना सूप टाइप के, तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसका, और टेस्ट भी अच्छा आता है, और आपका पेट भी फुल हो जाता है उससे, मतलब सूप टाइप में आप रखोगे तो, और उससे आपका पेट भी जल्दी से फुल हो जाता है। तो इसी टाइप से आप बनाइए और खाइए हेल्दी हेल्दी रेसिपी, और वेट लॉस कीजिए अगर आप घर बैठे मतलब वेट लॉस करना चाहते हो तो। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते हो और घर बैठे वेट लॉस करना चाहते हो तो ये वाले ऐसे ही सिंपल सिंपल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लिया करूँगी अभी, क्योंकि बहुत सारी ब्रेकफास्ट रेसिपी, डिनर रेसिपीज़ हैं जो वेट लॉस रेसिपीज़ है, तो आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी मैं वो। और जो थोड़े से बर्तन बचे थे तो वो भी मैंने लगे हाथ क्लीन कर लिए, ताकि मेड तो आ नहीं रही है उसकी वजह से, अभी जो भी बर्तन निकल रहे थोड़े थोड़े से, अभी मैंने जैसे कि ये बनाया था ओट्स बनाए थे उसके बर्तन जो निकले थे वो मैं लगे हाथ क्लीन कर लेती हूँ, जैसे लंच बनाते हैं तो लंच के टाइम पे जैसे निकलते हैं बर्तन वो क्लीन कर लेती हूँ, जब हम लोग लंच करते हैं उस टाइम जो निकलते हैं वो क्लीन कर लेती हूँ, ऐसे ही मैं जब भी बर्तन निकलते हैं वैसे क्लीन कर लेती हूँ। वैसे किसी को भी ना एक साथ इतने सारे बर्तन दिखते हैं ना तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ बर्तन इतने सारे दिखते हैं तो, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे थोड़े थोड़े से बर्तन रहते हैं ना तो टाइम इतना नहीं लगता है, और ऐसे ही क्लीनिंग करती रहती हूँ मैं, मतलब नल वल ये वो की, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे ही हाथ में दिख जाए मुझे वैसे क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका था ये, बट जैसे मैं इधर गई ना क्या बोलते हैं तो बर्तन क्लीन करने के लिए गई तो ये गाढ़ा हो चुका था, और यहाँ पर मैंने तब तक भिंडी ढेमसा बोलते हैं हमारे साइड में, ये जो मैंने चॉपर पर रखा है वो काट के रख दिया था, तो यहाँ पर ये चॉप करके रख दिया है, मतलब जब भी मुझे सब्जी बनानी हो तो ईजी जाए इससे, तो इसी वजह से मैं सारा काट के रख दिया है। सो गाइज, अभी अभी हमने ओट्स खाया है, और मैं अभी नहाने जा रही थी, एक्चुअली पूरा ऑयली हो चुका है फेस, और वो पसीने की वजह से थोड़ा सा और भी ज़्यादा लग रहा है, तो मैं अभी नहाने ही जा रही थी, तो ये बोल रहे कि मैं आज वो करता हूँ मतलब सब्जी बनाता हूँ, तो ये 1 मिनट फैन ऑफ कर देती हूँ। अभी हो गई हूँ फ्रेश, मैं नहा लिया है अच्छे से और अभी फ्रेश लग रहा है। एक्चुअली वर्कआउट के बाद नहाते हैं ना तुरंत तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर ऐसे एकदम से स्मेल भी और वो पसीने की, अरे यार। तो हाँ एक्चुअली ना अभी मुझे याद आया कि अभी जब मैं रेडी हो रही थी, रेडी मीन्स थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई किया है मैंने, क्या होता है कि आप लोगों के सामने आती हो ना तो मुझे खुद को अच्छा लगना चाहिए, इस वजह से मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, फेस पर नहीं अप्लाई किया कुछ और बस काजल लगा लिया, क्योंकि मैं बहुत बीमार बीमार सी लगती हूँ यार कुछ भी अगर नहीं करती हूँ तो। और हाँ, एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है राजेश्री, तो उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी टिप्स मांगे थे, एक्चुअली कब से सोच रही थी कि मैं उनके लिए कुछ बताऊँ, बट ना ध्यान से निकल जा रहा था। उस पिछली बार कैसे हो रहा था कि वो मेरी सब्सक्राइबर थी जो मुझे बोल रही थी कि आप व्लॉग में नाम लो, तो मैं भूले जा रही थी, वैसे ही ये हो रहा है। फाइनली अभी रेडी होते टाइम मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे कुछ बोला है, तो मैंने सोचा चलो उनको टिप्स दे देती हूँ थोड़ा सा। क्या है टिप्स, तो इतना भी मुझे नॉलेज नहीं है, 2 बच्चे हो गए हैं फिर भी इतना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की सलाह से अगर हम लोग प्रेगनेंसी में कुछ करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इसकी उसकी सुनने से अच्छा है कि आप डॉक्टर की सलाह लो और उससे वो जो कहते हैं वो आप करो। फिर भी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है अपने प्रेगनेंसी में दोनों टाइम पे, तो वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली क्या होता था, मेरे दोनों बच्चों के टाइम मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा थी, माही के टाइम तो भी उल्टियाँ
4-5 महीने के बाद बंद हो गई थी, बट अद्वि के टाइम पे हॉस्पिटल गई ना मैं, मतलब पेन हो रहा था, हॉस्पिटल गई, उससे पहले भी मैं उल्टी करके गई, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ थी मुझे, 9 महीने तक उल्टियाँ थी। तो इसी वजह से अद्वि के टाइम पे तो इतना ज़्यादा, मतलब जो भी खाती थी वो उल्टी में गिर जाता था, तो इसी वजह से कुछ भी पचता नहीं था, तो इतना कुछ नहीं कर पाई। बट माही के टाइम पे मैंने बहुत केयर की अपनी, और मैं मम्मी के पास भी थी अपने, तो जो भी मम्मी को मांगती थी करके तो वो दे देती थी, और मम्मी खुद ध्यान रखती थी मेरा, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा माही के टाइम पे बहुत केयर हुई। और अद्वि के टाइम पे क्या था कि खुद को करना पड़ता था यहाँ पे, और उस टाइम मेरा घर भी बना था, तो आपको लोगों को बताया ही है मैंने कि घर भी बन रहा था, और उसी टाइम मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो यहाँ पर मैंने अद्वि के टाइम पर थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं दिया अपना, सिर्फ मेडिसिन लेती रही और बस, बाकी का जो करना था मुझे वो नहीं किया। बट माही के टाइम का बताती हूँ मैं, माही के टाइम पर मैं एक्चुअली 3 महीने के बाद डेली मैं दूध पीती थी, उसके साथ थोड़ा सा केसर लेती थी, केसर की 2-3 स्टिक लेना है बस, और वो दूध में, गर्म दूध में डाल के थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रख देना है, उसके बाद वो केसर मेल्ट हो जाएगा उसमें, और उसका जो कलर है येल्लो कलर आ जाएगा उसका। तो आप अगर चीनी ऐड करते हो तो ठीक है, चीनी थोड़ी सी ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में ना थोड़ा सा चीनी अवॉइड करिए, चीनी बहुत कम खाइए, और थोड़ी सी चीनी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि वैसा दूध तो जाता नहीं है, इसी वजह से आप चीनी ऐड कर सकते हो। और जो प्रोटीन पाउडर आपको दिया है डॉक्टर ने, वो प्रोटीन पाउडर ज़रूर लेना है आपको 9 महीने तक। अगर आप प्रोटीन पाउडर लोगे तब तक आपका बेबी जो है वो अच्छा रहेगा, मतलब हेल्दी बनेगा, और उसके लिए बहुत अच्छा रहता है और आपके लिए भी। तो इसी वजह से आप प्रोटीन पाउडर लेना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेते ही नहीं है, तो प्रोटीन पाउडर जो दिया होता है वो लेना ज़रूरी होता है। और हाँ, वो केसर का आपको एक बता दिया मैंने, केसर आप लीजिए, उससे ना बच्चों की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, मतलब ग्लोइंग स्किन होती है, और गोरे बनते हैं बच्चे उससे, तो वो तो मैंने आपको बता दिया केसर। और केसर कौन से ब्रांड का लेना है वो आप पे डिपेंड है, मतलब मैंने तो एवरेस्ट का केसर लिया था, क्योंकि मैं एवरेस्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तो एवरेस्ट का केसर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपने केसर के साथ, मतलब जो केसर मैंने लिया था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, तो मैं एवरेस्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। मुझे आपने देखा होगा कि मेरे घर पे भी एवरेस्ट के मसाले मैं यूज़ करती हूँ, एवरेस्ट ब्रांड पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, इसी वजह से मैं एवरेस्ट ब्रांड का ही सब कुछ यूज़ करती हूँ। तो वो तो हो गया मेरे एक्सपीरियंस की बात, अगर आपको लेना है एवरेस्ट ब्रांड का तो आप ले सकते हो, तो वो आप लीजिए, बट 3 महीने के बाद आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत गर्म रहता है, और ज़्यादा स्टिक नहीं लेना है आपको, 2 या 3 स्टिक आपको ऐड करनी है, ज़्यादा स्टिक नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है केसर, और ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और फिर भी आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टिक थोड़ा सा कम डालिएगा, नहीं तो स्टिक ज़्यादा मत डालिएगा, 2 या 3 स्टिक डालिएगा बस, और ये करना है। और सेकंड जो मैंने किया था माही के टाइम पे वो है दही, मैं दही डेली खाती थी, और दही मैं खुद से बनाती थी, मतलब खुद से मीन्स मम्मी बनाती थी मेरी, डेली जो है मेरी मम्मी ताज़ा दही बनाती थी मेरे लिए, और वो भी चांदी की कटोरी में, तो आपके पास चांदी की कटोरी है बड़ी सी तो आप उसमें बना सकते हो, अदरवाइज आप कांच की कटोरी में भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, बट चांदी की कटोरी होना तो बहुत अच्छा रहता है बोलते हैं, तो मम्मी मेरी चांदी की कटोरी में, बड़ी सी चांदी की कटोरी में मेरे लिए दही जो है वो जमाती थी, और डेली जमाती थी, मतलब अगर रात को जमा के रख देती थी तो सुबह मैं वो दही थोड़ा सा चीनी डाल के खा लेती थी, तो वैसा मैंने दही पूरे 9 महीने खाया है माही के टाइम पे, और उससे भी बच्चों की थोड़े से स्किन में भी ग्लो आ जाता है, और बच्चे सुंदर बनते हैं, और केसर से भी, तो वैसा किया था मैंने माही के टाइम पे, और गोरे भी बनते हैं बच्चे उससे। थर्ड आपको लेना है कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा होता है आपके प्रेगनेंसी के टाइम, कोकोनट वाटर पीना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे बहुत सारे जो बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं, मतलब बच्चों के हेयर से रिलेटेड या काफ़ी सारे स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं वो मतलब सॉल्व हो जाते हैं, बच्चे के हेयर अच्छे हो जाते हैं, या बच्चों की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो ऐसे होता है कोकोनट वाटर से, इसी वजह से कोकोनट वाटर ज़रूर पीजिए, डेली एक कोकोनट का वाटर आप पी सकते हो, तो वो आप ज़रूर पीजिए, मतलब उसको ध्यान में रखिए। और हाँ, ऑयली चीज़ों से दूर रहिए, और स्पाइसी चीज़ों से, मतलब ऑयली चीज़ें नहीं खानी है प्रेगनेंसी में फुल, मतलब 9 महीने तक, और स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है, इससे दूर रहिए, जितना भी आपको चटपटा खाने का मन करता हो फिर भी आपको ऑयली और स्पाइसी से दूर रहना है, ये चीज़ें करनी है। और फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाइए, एप्पल मेन तो एप्पल है, एप्पल बहुत ज़्यादा खाइए, विटामिन सी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाइए, विटामिन सी वाले फ्रूट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा खाइए, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाइए, उससे भी बच्चों की स्किन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई देगा, तो
और उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे बच्चों को आगे चल के। तो इस तरह से मैंने वो सारी चीज़ें की थी माही के टाइम पे और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने माही के टाइम पे एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अद्विक के टाइम पे तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाई थी मैं, ये खुद को करना पड़ता था। और मैंने आपको बताई है कि क्या प्रॉब्लम्स थे, तो फिर भी जो होता था मुझसे वो करती थी, बट वो उल्टी हमें चला जाता था। मतलब जैसे मैं कुछ खाती थी उसकी उल्टी हो जाती थी, तो इसी वजह से वोमिटिंग की वजह से मुझे कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे अद्विक के टाइम पे। बट जो कर सकती थी, जितना कर सकती थी उतना मैंने अद्विक के टाइम पे भी किया, बट लास्ट तक नहीं हो पाया जितना माही के टाइम पे हो पाया था। तो इस टाइप से मैंने माही के टाइम पे किया था और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। तो आप भी ऐसे करिए, थोड़ा सा ऑयली एंड स्पाइसी फूड से दूर रहिए और जो मेडिसिन आपको बोलते हैं डॉक्टर लेने के लिए वो ज़रूर लीजिए, 9 महीने तक लीजिए। कोई के लोग 7 महीने के बाद छोड़ देते हैं, बट नहीं, 9 महीने तक आपको मेडिसिन लेनी है, जितना डॉक्टर बोलते हैं उतनी मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर का सुनना है, डॉक्टर की जो सलाह, डॉक्टर की सलाह से ही जो करना है आगे आपको वो करना है। और जो केसर का बोला है वो 3 महीने के बाद लेना है, आपका सेकेंड मंथ बोल रहे थे आप कि सेकेंड मंथ कम्प्लीट हो गया है, थर्ड मंथ जब कम्प्लीट होगा आपका तब आपको केसर स्टार्ट करना है, तो 4th मंथ से आपको केसर स्टार्ट करना है, तो वो करिए। बट केसर की क्वांटिटी मैं दोबारा बोल रही हूँ आपको, केसर की क्वांटिटी बहुत कम लेनी है, 2 या 3 स्टिक बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, 2 स्टिक सफिशियंट है, बस इतना ही लेना है। ब्रांड तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, जो ब्रांड मुझे अच्छा लगता था वो तो मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही एक्सपीरियंस था मेरा और जो मुझे टिप्स देने थे वो मैंने आपको दे दिए। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। अभी बज रहे हैं 10 और मैंने सिर्फ ओट्स खाया था तो मुझे अभी लग रही है भूख। तो जो मैंने स्प्राउट्स थे मतलब उसको बॉयल कर लिया, तो अभी उसकी चाट बना के खाऊंगी। अगर चाट की रेसिपी देखनी है आपको तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, तो उसकी ही चाट मैं बना के अभी खाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आदत छूट गई है ना डाइट वाइट की, इसी वजह से थोड़ा सा अभी खाना तो नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि ओट्स खाए थे तो उससे थोड़ा सा फूल हो गया था। तो बट अभी लग रही है भूख, 10 बज रहे हैं, थोड़ी सी मैं चाट खा लेती हूँ, उसके बाद तुरंत नहीं सोऊंगी, वीडियो एडिट करना है इसी वजह से। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।